हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटन पुलाव। तो सबसे पहले हमने एक पतीला लिया है, अब हम उसमें तेल डाल देंगे। अभी हमने ये 4 to 5 आलू लिया है, इसे ऐसे कट करके अभी हम ये गरम तेल में डाल देंगे। पास में ये 5 से 6 मैंने बड़ी बड़े बड़े प्याज लेके इसको से लंबा लंबा काट लिया है। अभी हम ये इसे ऐड कर लेंगे। तो अभी हम इसमें अदरक लहसुन, अभी हमारी प्याज अच्छे से लाल हो गई है, अभी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच। पता था मैं आ रहा कैसा दरवाजा खोलने की आवाज आई थी, कभी समझ नहीं थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमेशा डरती है, मैं सोचा कि अभी डराऊं, बड़ा ही स्मार्ट हो चुकी है तो भी डरती नहीं। डरी नहीं, बट तुम्हारे वीडियोस मैं इसमें डालूंगा। कमेंट करना मुझे कि अगर जो तुमको ऐसी वीडियोस चाहिए जो डरने वाले, तो भी मैं डालूंगा। वेरी फनी। अभी मैंने इसमें 5 से 6 टमाटर ली हूँ और ये कट कर लिया ऐसे लंबा लंबा, अभी इसमें डाल देंगे। अभी मैंने यहाँ पे तीखी मिर्ची लिया है और इसमें मैंने इसको 6 से 7 तीखी मिर्ची ली थी और उसको अच्छे से एकदम बारीक ग्राइंड करने के बाद अभी मैं इसमें डाल दूंगी। अभी हमने यहाँ पे मटन लिया था और इस मटन को हमने अच्छे से गला लिया है, अभी हम इसमें डाल देंगे। अभी हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे 1। हमने इसमें 1.5 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है, गरम मसाला पाउडर डाला है हमने, अखा गरम मसाला नहीं डालना है। और इसी के साथ हमने कोथमीर और पुदीना हमने दोनों को बारीक चॉप कर लिया है, ये भी ऐड कर लेंगे इसमें। आप जैसे देख सकते हो हमारा पुलाव का कलर एकदम प्रॉपर ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसमें लेमन जूस डालेंगे, हमने 2 लेमन का जूस बना लिया, अभी हम डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम पहले। अभी जैसे हमने 3 ग्लास चावल लिया है तो उसके लिए हम 5 से 6 ग्लास पानी डाल देंगे, हमारे पहला ग्लास पानी इसमें डाल देंगे। दूसरा ग्लास पानी, तीसरा ग्लास पानी, चौथा ग्लास पानी और ये हमने आधा ही लिया है ये ग्लास पानी, तो टोटल हमने 4.5 ग्लास पानी डाला है। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अभी और अभी हम इसे अच्छी तरह से बॉईल होने तक इसे अच्छा पकने देंगे, इस पर ढक्कन डाल कर। अभी हम इसमें 2 चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। तो अभी हमारा पानी देखते हैं कैसा बॉईल हो रहा है। ये देखिए हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है। अभी हम इसमें चावल डाल देंगे हमारे, तो हमारे 3 ग्लास चावल है, इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है, अभी हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अभी हम इसे हाई फ्लेम पे ही झाँक कर रखेंगे 5 to 10 मिनट्स अच्छे से पकने के लिए। हम इसमें हमने जो आलू फ्राई किया था स्टार्टिंग में, अभी हम वो ऐड कर लेंगे इसमें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फिर से। और जैसे आप देख सकते हो हमारा पानी अभी कम होता जा रहा है, तो हम गैस को स्लो कर लेंगे और इसे ढक कर रख देंगे हम पकने के लिए। हमारा पुलाव रेडी है सर्व करने के लिए। हम इसे गार्निश करेंगे थोड़ा सा कोथमीर और पुदीना के लिए साथ में।
इसमें थोड़ा सा हम फ्राइड अनियंस भी डालेंगे गार्निशिंग के लिए।